मुख्य षड्यंत्र था वो पप्पू दप्पू के द्वारा ही रचा गया। रुपए का भुगतान जो है, मिलकर छह लोगों का नाम आया है जिन लोगों ने मिलकर जो पप्पू दप्पू का ऑफिस है उस कार्यालय में ही इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की योजना बनी थी और जो है उनके द्वारा कुल 25 लाख। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में, मैं हूं मुस्कान। और आपको बता दें कि निलेश मुखिया के केस में एक नया अपडेट आया है। जी हाँ, SSP राजीव मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपडेट दिया है। उस अपडेट में ये है कि अजय नामक व्यक्ति थे जो निलेश मुखिया के काफी क्लोज हुआ करते थे, लेकिन अटल पथ में 7 करोड़ की जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ था जिससे उनकी दूरी बन गई थी और वो क्लोज हो गए थे पप्पू धप्पू गोरख राय के। आपको ये भी बता दें कि इनमें मुख्य आरोपी जिन्होंने पूरी साजिश की है इस हत्याकांड को अंजाम देने का, वो कोई और नहीं पप्पू धप्पू गोरख राय है। और आप तब तक सुन सकते हैं क्या थी पूरी बात। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 31 जुलाई को जो है वो नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गोली मार दी गई थी और बाद में उनका जो है इलाज के क्रम में दिल्ली में एम्स में निधन हो गया था। इस संबंध में पूर्व में पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था, उसी क्रम में जो है 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे जो आपराधिक षड्यंत्र था उसका पूरा जो है पूरी तरह से खुलासा हो गया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें जो है संतोष कुमार और उदय कुमार हैं, इन दो लोगों को जो है दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनके सूचना के आधार पर अजय राय और विशाल कुमार जो है इनको पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उसके अलावा जो है 36,000 रुपया भी नगद बरामद हुआ और एक क्रेटा कार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इन लोगों से पूछताछ के क्रम में जो पूरी जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो इसमें विशाल उस अजय हैं ये पहले नीलेश मुखिया के करीबी थे, उनके नज़दीकी थे। बाद में अटल पथ पर एक ज़मीन है जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है, उस ज़मीन को लेकर और कुछ अन्य कारणों से इनकी नीलेश मुखिया से दूरी हो गई थी और ये जो इस कांड के मुख्य साजिशकर्ता हैं पप्पू दप्पू उनके नज़दीक हो गए थे। तो इन लोगों ने मिलकर 6 लोगों का नाम आया है जिन लोगों ने मिलकर जो पप्पू दप्पू का ऑफिस है उस कार्यालय में ही इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की योजना बनी थी। और इसमें अभी तक जो इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में बताया है कि जो दोनों मुख्य साजिशकर्ता हैं तीनों भाई जो हैं उनके द्वारा कुल 25 लाख रुपये का भुगतान जो है इन लोगों को किया गया था और उसमें से अभी तक शूटर को केवल मात्र जो हम लोग की जानकारी है केवल 5 लाख रुपये दिए गए थे। बाकी जो 20 लाख रुपये थे वो इन तीनों लोगों द्वारा उदय कुमार और अजय कुमार द्वारा इन लोगों द्वारा अपने पास रख लिए गए थे जो शूटर्स को नहीं दिए गए हैं। और इसमें जो पप्पू और दप्पू जो तीनों भाई हैं वो और ये अजय राय ये मुख्य रूप से आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे, क्योंकि अजय की जो हमने आपको बताया कि जो एक ज़मीन थी लगभग 7 करोड़ रुपये की कीमत थी उस ज़मीन में भी जो है नीलेश इंटरफेयर कर रहे थे और उसमें से इन लोगों से 45 लाख रुपये मांग रहे थे जिसमें से 38 लाख रुपया इन लोगों ने दिया भी था। उसका कारण ये था कि उसमें से ज़मीन का एक हिस्सा जो है, क्योंकि ज़मीन विवादित थी, उसमें से एक हिस्सा जो है वो नीलेश ने किसी के नाम किसी से रजिस्ट्री करा ली थी और उसी की कीमत वो मांग रहे थे। लेकिन उनकी जो इन लोगों ने बताया कि डिमांड जो है कुछ और ज़्यादा भी थी जो ये इससे मांग रहे थे अजय राय से, तो वो जो है उसको फुलफिल नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये भी जो है पप्पू धप्पू से ही इन लोगों ने और इन्होंने ही पूछताछ के क्रम में ये भी बात स्पष्ट आई कि इन्होंने ही ये आइडिया प्रपोज़ किया और इन्होंने ही प्रपोज़ किया कि शूटर्स जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और हम ये काम करा देंगे। और उसके बाद जो है पप्पू धप्पू ने इसके लिए पैसा दिया और पूरा मुख्य रूप से जो षड्यंत्र रचा गया वो इन लोगों द्वारा और अजय राय द्वारा मिलकर रचा गया। अजय राय की क्या भूमिका है? अजय राय की भूमिका जो हमने बताया कि अजय राय दोनों ही तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, तो षड्यंत्र में भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा जो शूटर्स थे उनको उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका है, शूटर्स को पैसा पहुंचाने में भी उनकी भूमिका है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग की जानकारी में आई वो ये भी है कि जो पैसा दिया गया है पप्पू धप्पू द्वारा भाइयों द्वारा वो सारा पैसा भी शूटर्स के पास नहीं पहुंचा और उसमें से एक बड़ा चंक इन लोगों ने अपने पास रख लिया। और ये इन तीनों लोगों ने और एक अन्य व्यक्ति का नाम भी है इसमें जिसको हम लोग पहले से उसका रोल जानते हैं, इन 4 लोगों ने मिलकर सारा पैसा जो 25 लाख में से एक बड़ा चंक था उसको अपने पास रख लिया। गाड़ी के माना था पूरी इस घटना में अजय राय जो पहले नीलेश मुखिया के काफी करीबी थे, जैसे ही पप्पू धप्पू राय के संपर्क में आए, ये अटल पथ के जमीन को लेके पूरा विवाद हुआ कि पप्पू धप्पू राय पहले से ही प्लानिंग कर रखे थे कि नीलेश मुखिया को हटाना, कि अजय राय के संपर्क में आते ही ये नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। पप्पू धप्पू जो है वो पहले से ही अजय राय से इनसे नीलेश मुखिया से उनके पहले से ही आपस में वैमनस्य था। जो अजय का रोल है वो ये है, क्योंकि अजय का पहले जो है नीलेश से बहुत नज़दीकी संबंध था, दोनों लोग साथ ही काम करते थे, लेकिन बाद में
जमीन को लेकर और एक दो अन्य कारणों से भी उनके नीलेश से दूरी होनी, जैसा उन्होंने बताया पूछताछ में। नीलेश ने भी अजय राय के ऊपर जो एक भरोसा था वो भरोसा कम कर दिया था अपना, जैसा इन्होंने बताया कि हमसे हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। तो उसके बाद जो है ये जाके जो पप्पू धप्पू का गुट है उससे मिल गया और सब लोगों ने मिलकर ही ये षड्यंत्र बनाया है, क्योंकि सभी के इंटरेस्ट जो है नीलेश की वजह से, जो उनको रास्ते से हटाने के बाद, जो इनको इन्होंने अपने शब्दों में कि इनको रास्ते से हटाने के बाद ही इन लोगों के इंटरेस्ट सर्व हो पाएंगे। नहीं, जमीनी विवाद जो है वो अजय राय का पार्ट है, इसको समझ लीजिए। हम आपको दो चीज़ें बता रहे हैं, अजय राय के अपने भी इंटरेस्ट थे, अजय राय का अपना भी इंटरेस्ट था नीलेश की हत्या कराने में, लेकिन जो मुख्य षड्यंत्र था वो पप्पू धप्पू के द्वारा ही रचा गया। सुना आपने क्या कुछ कहा राजीव मिश्रा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।